हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवम फिटनेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने डेली रूटीन में तीन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हो जिससे आपको फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप आसानी से फैट लॉस कर पाओगे। ये डिसिप्लिन ना होने की वजह से ही आप कितना भी मेहनत करते हो, कितना भी डाइट फॉलो करते हो, आपका फैट लॉस नहीं होता है। बिस्तर से उठते ही सबसे पहला काम जो आपको करना है सुबह में, वो ये करना है कि एक गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें नींबू डालना है, उसमें शहद डालना है और उसको आराम से पी लेना है और पी के फिर सो नहीं जाना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने डिसिप्लिन में ये सब चीजें ऐड करनी पड़ेंगी कि ये तो आपने पी लिया, उसके बाद आप टहलो, क्योंकि सुबह में आपके बॉडी के पास कोई एनर्जी का सोर्स होता नहीं है। तो जाहिर सा बात है कि आपके बॉडी में जो फैट है उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो आपका फैट लॉस आसानी से हो पाएगा। और दूसरी वो बात जिसको आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सुबह में आपको कभी भी भूखा नहीं रहना होता है। जैसे कि आप बहुत लोगों के माइंड में ये चीज चलता है कि अगर आप खाना कम कर दोगे या मील स्किप कर दोगे, जैसे कि दिन में एक बार खा रहे हो, दो बार खा रहे हो, तो आपका फैट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह का नाश्ता जरूर से करें टाइम से। आपका मतलब सुबह का नाश्ता बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने दोपहर के खाने में, रात के खाने में थोड़ा कम खाना खा सकते हो, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा थोड़ा कम कर सकते हो। और सबसे पहले तो ये जो बाहर का इतना सारा कचरा खाते हो उसको बंद करो। कोई भी तेल मसाला वाला ज्यादा छाना छूना चीज मत खाओ। जब फिट हो जाओ, एक अच्छा प्रोपोर्शन में बॉडी हो जाए तो खाओ, उस टाइम वर्कआउट करोगे, टहलोगे, दौड़ोगे, फिर बॉडी उसी शेप में रहेगा, तो फूड को भी इंजॉय कर पाओगे और आराम से अपना फिटनेस भी मेंटेन कर पाओगे और एक अच्छे खासे एज तक खा पाओगे सारी चीजें। और थर्ड जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रात को ऐसा सोचते हो कि रात को बहुत लोगों को भूख कंट्रोल नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि आप जब बहुत ज्यादा देर पे खाना खाएंगे तो आपको भूख तेज लगेगा ही, तो आप रात को कोशिश करो कि शाम को नाश्ता करो, दोपहर में खाना खाओ अच्छे से, सुबह का नाश्ता करो, तो रात को भूख थोड़ा कम लगेगा। और रात को आप कोशिश करो कि चावल या रोटी जितना कम खा सकते हो उतना कम खाओ। रात को सलाद जरूर खाओ, उससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, आपके स्किन क्वालिटी में फर्क पड़ेगा और आपको ऐसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे सलाद खाने से। और वहां पे बेनिफिट ये होगा कि सलाद खाने की वजह से आपका चावल या रोटी, आप बहुत ज्यादा जो खाते हो जो आपके बॉडी में एक्सेसिव फैट स्टोर करता है, वो आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपना एक हेल्दी बॉडी मेंटेन कर सकते हो आसानी से। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो।